हर इंसान का जो है ना ये कलर्स और आर्ट इससे मुतासिर होना ये उसकी फितरत का हिस्सा है, और इस फितरत के हिस्से को अगर आर्टिस्ट चाहे तो वो बड़े अच्छे तरीके से उसको इस्तेमाल कर सकता है। मेरा नाम है हनीफुल्ला खान, मैं फाइन आर्टिस्ट भी हूँ और उसके साथ साथ मैं आर्ट की टीचिंग भी करता हूँ। मैं यहाँ इस्लामाबाद में ही रिहाइश पज़ीर हूँ और मेरी 3 बेटियाँ हैं माशाल्लाह, और वो जो हैं उनमें सब में ही जो है ना आर्ट के वो पाए जाते हैं। मसला ये था कि मैंने जब कलर्स देखे ना पहली दफ़ा तो मैंने अपनी वालदा के पास देखे। असल में ये पेंटिंग जो था ये मेरी वालदा का शौक़ था, और कुदरती बात है कि मुझे जब मैं रात को सो जाता था ना कि रात को मैं सोकर उठकर भी देखूं तो मुझे बाहर डोरी पे कपड़े टंगे हुए नज़र आते थे, तो मुझे तो उनमें भी फिगर्स नज़र आती थी। जब मैं उस वक्त था तो मैंने ये सोचा कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा आर्टिस्ट बनूँ। फिर मैंने मैट्रिक भी फाइन आर्ट में कर लिया, 9th भी फाइन आर्ट, फिर फर्स्ट ईयर इंटर ऐसे सारा, उसके बाद कराची स्कूल ऑफ आर्ट ज्वाइन कर लिया। कराची स्कूल ऑफ आर्ट का एक ही आर्टिस्ट मशहूर था, जॉन पाइक, वाटर कलर में। तो पाकिस्तान में 2-4 आर्टिस्ट होते थे वाटर कलरिस्ट, तो मैंने ये सोचा ये सबसे मुश्किल फील्ड है तो सबसे पहले मैं यही करूं। आर्ट गैलरीज तो एक तो कम थी, दूसरी बात ये थी कि एग्जीबिशंस काफ़ी एक एक साल के बाद एक एक आर्टिस्ट को मिलती थी। अब हम लोग अपनी चीज़ें तो बना लेते थे लेकिन उनके लिए जो एग्जीबिशन का इंतज़ार करना पड़ता था कि अब एक साल के बाद हमारा नंबर आएगा, उस दौरान जो आर्टिस्ट को यूँ समझें कि उसके जो अखराजात की ज़रूरत होती है, तो मैंने ये किया उसके लिए कि मैं आधा दिन एक बुटीक में डिज़ाइनिंग करता था और आधा दिन अपने कॉलेज जाता था। मैं वो पहला आर्टिस्ट हूँ जिसने कंस्ट्रक्टिव आर्ट की बुनियाद पाकिस्तान में पहली दफ़ा रखी। कंस्ट्रक्टिविज्म असल में एक तहरीक थी जो 1912 में रशिया में उन्होंने की। कंस्ट्रक्टिविज्म की असल बुनियाद ये थी कि कोई ऐसी चीज़ तख्लीक की जाए जो पेंटिंग और स्कल्पचर के दरमियान की कोई चीज़ हो। तो मैंने उस आइडिया, उस सोच के ऊपर काम शुरू किया। तो मैंने इसके अंदर सबसे पहले ये किया कि पाकिस्तान का आर्किटेक्चर, कैलीग्राफी और मॉडर्न आर्ट तीनों को मिक्स करके बनाया, फिर उसका नाम रखा कंस्ट्रक्टिव आर्ट। मेरा नाम असदुल्ला है, मैं बुनियादी तौर पे एक सहाफ़ी हूँ और एक हद तक आप कह सकते हैं कि आर्ट क्रिटिक। हनीफुल्ला साहब को मैं कोई 1995 से जानता हूँ, उस वक्त ये बहुत ही बडिंग से आर्टिस्ट थे जिनकी एक एग्जीबिशन कराची में, जब मैं वहाँ गया और मैंने उनका काम देखा तो उसने मुझे काफ़ी इंस्पायर किया, बिकॉज इनके काम में 3 एलिमेंट की यकजाई थी। इट वॉज़ ऑल वेरी कल्चरल बट लेकिन मुझे उस वक्त पता चला कि ये बेसिकली आर्ट में एक रशिया से शुरू होने वाली एक मूवमेंट जो बेसिकली कंस्ट्रक्टिविज्म कहते हैं, उसकी एक मुकामी सतह पे एक उन्होंने इसको रीइंटरप्रेट किया। मेरे साथ यहाँ पर मुजम्मिल हुसैन साहब होते हैं, वो पेंसिल स्केचिंग करते हैं। तो मैं पिछले 30-40 साल से काम कर रहा हूँ, मैं पोर्ट्रेट आर्टिस्ट हूँ, बेसिकली पेंसिल में और ऑयल पेंट कलर में बनाता हूँ पोर्ट्रेट। बकायदा किसी अदारे से नहीं सीख सका, मुझे गार्ड गिफ्टेड मिला है लेकिन मैंने मेहनत बहुत ज़्यादा की। मैं 8 से 10 घंटे रोजाना स्टडी करता था, मुझे नेशनल अवार्ड भी मिले हैं। फ्यूचर में यही है कि मैं चाहता हूँ कि मैं अपने काम में मज़ीद निखार पैदा करूँ, इंटरनेशनल लेवल पर उसको लेकर जाऊँ। हम आर्ट में अपने काफ़ी आगे हैं। हम वो कौम हैं कि जिसकी कुल्फी वाला जो बेचने आता है या जो गधा गाड़ी वाला है वो अपने गधे की जो गाड़ी है जिस पर वो सामान लोड करता है, अगर हम उस पर भी देखें तो उस पर भी हमें